ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज बुक सिक्स यू वर्ड्स. दिस इज सी यू बी कब, टी यू बी टब, डब हब नब रब सब. दिस पिक्चर इज बड, दिस इज मड. कद डड जड लड पट. देन दीज आर यू जी वर्ड्स. बग बी यू जी बग, एच यू जी हग, JUG jug and MUG mug. This is UM words. GUM gum, HUM hum. Lum mum sum tum yum. This is BUN bun and this is RUN run. जैसे कि U का sound है अ, so it is र अ न run. Rhyming words, FUN, fun, gun, nun, sun, pun. See students, let's do the sentences. THE, आपको पता है अभी, THE का मतलब है the. The CUB cub is in the tub. Rub well, said bub. तो पिक्चर में देखिए, he is, who is he? He is bub. This is the tub. And this is the cup, right? Now see, this is the picture. यहाँ पे the bud is here on the ground. ठीक है, अब इसको देखिए. The bud fell in the mud. The bud fell in the mud. See, as you can see, this is the jug and this is the mug. A jug and a mug are on the rug. अब देखिए, जग है, मग है, अब दो चीज़ें हैं तो हम कैसे, हमने अभी सीखा है ना, एंड लगता है बीच में. अ जग एंड अ मग, राइट स्टूडेंट्स. अब ये देखो, मॉम, मॉम के हाथ में क्या है, गम. सो माई, एम वाई माई मॉम गेट्स मी गम. दिस इज लेट अस रन for fun and get the bun. Now again UP words. Cup, CUP cup, PUP pup. Pictures अच्छे से recognize कर लीजिए. Then BUS bus, PUS pus. These are UT words. UT, CUT cut, HUT hut, NUT nut. Rhyming words, but, gut, jut, rut. This is CUT cut. Cut means काटना scissor से. And इसको cut को tick करेंगे, ये तो हमने कर लिया है. Now students, again practice the sentences. THE is the pup plays with a cup. Two boys are in the school bus. In means अंदर है ना दोनों boys, and this is the other one, Jess. Jess means the boy, boy's name is Jess. Jess runs for the bus. He sees a bug. This is the bug. And see students, these are the cluster words. And this is page 18 students. Sentences देखिए. I G O go for a run in the sun. I see, see means double E है तो E sound आता है. I see a pup in a tub with mud. A bug is near a bus. अब students, ये long sound vowels हैं, आपको मैम टेस्ट में पूछ सकती हैं, तो आपको सिर्फ रीड करके बताना है. ए का साउंड है ए, ए फॉर एप, ए फॉर एंजल, ए फॉर एप्रन. ई का साउंड, लॉन्ग साउंड ई का साउंड क्या होता है, ई से ही स्टार्ट होता है. अब आप देखिए, हमने अभी तक थ्री लेटर वर्ड्स करे थे ना, जिसमें ए ई आई ओ यू बीच में लगता था, आता था. अब इसमें स्टार्टिंग में ही आ जाता है ए ई आई, ठीक है. तो इसका देखिए ऐसे है, एंड यू हैव टू रीड इट लाइक दिस. E for eagle, E for eat, E for easel.
आई फॉर आइस, आई का साउंड भी आई ही है, आई फॉर आइस, आई फॉर आई एन, आई फॉर आई वी, ओ फॉर ओवल, ओ फॉर ओपन, ओ फॉर ओल्ड, यू फॉर यूटेंसिल, यू फॉर यूनिकॉर्न, यू फॉर यूनिफॉर्म, राइट। अब नेक्स्ट पेज देखते देखिए, अब इसमें करेक्ट वर्ड को हम सर्कल करेंगे। ए से हमने अभी तक रीड किया ना, ए फॉर एप। ई से हमने क्या रीड किया था, ईजल। आई से आयन। ओ से ओवल। एंड यू से वी हैव टू सर्कल यूनिकॉर्न। अब देखिए, एप्पल को नहीं करना है, एंकल को नहीं करना है, बिकॉज द साउंड इज़ ए। एलिफेंट एंड एग, द साउंड इज़ ए, सो वी डोंट हैव टू सर्कल दिस। आई फॉर इंक, इसका साउंड ई है, इंजेक्शन का साउंड ई है, सो इसको सर्कल नहीं करेंगे। ऑस्ट्रिच एंड ऑरेंज, द साउंड इज अ। अम्ब्रेला अनलोड, द साउंड इज अ, सो वी डोंट हैव टू सर्कल दीज वर्ड्स, राइट स्टूडेंट्स। रिवाइज इट थरोली फॉर द टेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यूज ऑफ एंड, हमने यूज ऑफ एंड पहले पेज किया हुआ है ना यहाँ पे। देखिए, अब मैम आपसे दो पिक्चर दिखाएगी और आपको ये बताना है ओरल। अब मैम के पास हैट मैट का पिक्चर होगा, उसको देख के आप बताएंगे अ हैट एंड अ मैट। ओरल में आपने ऐसे बोलना है, दिस इज़ नेट एंड दिस इज़ पेन, अ नेट एंड अ पेन। यू हैव टू टेल लाइक दिस ड्यूरिंग द टेस्ट। पिन टिन, दो पिक्चर्स आपको दिखाया जाएगा, आप बताएंगे अ पिन एंड अ टिन। अब पिक्चर में अगर पिन की जगह लिड है, पिन की जगह बिन है, तो आपने अ बिन एंड अ लिड ऐसे बोलना है। पिक्चर को देख के आपने इसी तरीके से बोलना है। सो लेट्स डू सम अदर सेंटेंसेस। सी दिस पिक्चर, दिस इज़ अ, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ केग एंड दिस इज़ अ पेग। तो आप कैसे लिखेंगे, अ केग एंड अ पेग। ये आपका, ये जिसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे ऐसे आपको बताना है। और एग्ज़ाम में अगर असाइनमेंट में आपको ऐसे दो पिक्चर्स दिया जाएगा तो आपको लिखना है ऐसे। अब ये क्या है, बैग एंड दिस इज़ अ कैप। अब कैसे लिखेंगे, देखिए, अ बैग एंड अ कैप, लाइक दिस यू हैव टू राइट। एंड सी दिस, दिस इज़ अ लीड एंड दिस इज़ अ किट। प्लस का साइन है तो इसको क्या कहेंगे, किट। तो अब सो लिखेंगे कैसे, अ लीड एंड अ किट, राइट स्टूडेंट्स। अब ये देखिए, दिस इज़ अ रॉड, दिस इज़ अ रॉड एंड दिस इज़ अ लॉग। एंड हाउ यू विल राइट, अ रॉड एंड अ लॉग। अब देखिए, अभी हमने सेंटेंसेस में एक सीखा था ना, जग और मग, तब उसको भी लिखना सीख लेते हैं। अब देखिए, ये है जग एंड दिस इज अ मग। हाउ आई एम गोइंग टू राइट, सी, अ जग एंड अ मग, ऐसे लिखना स्टूडेंट्स। ओके, मैं फिर से इसको कॉपी में करवाऊंगी आपको, देन यू हैव टू लर्न लाइक दैट। नाउ लेट्स डू कैपिटल कर्सिव। अब देखिए, दिस इज़ ए टू पी। ओके, आपके टेस्ट में ए टू पी है ना, देखिए कैसे लिखना है, ए देन राइट बी, सी देन यू हैव टू राइट डी, देन राइट ई F, G, H, then write I, J, K, L, M, N, O, and at last P. Right students, you have to write, learn to write like this.
यू हैव टू राइट ए टू पी इन योर असाइनमेंट ऑल्सो, सो प्रैक्टिस मैम. आपको ये क्लास वर्क हम आपको देते रहेंगे, तब आप इसको प्रैक्टिस कर लेना. नाउ लेट्स डू सम ड्राइंग. ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने दिया बनाया था ना, दिया 17 नवंबर को बनाया था. देन वी डिड बोट ऑन 24 नवंबर. देन वी डिड फिश, दिस वॉज डन ऑन 1 दिसंबर, राइट. अब इसको हम यहाँ पे स्पाइरल कॉपी में रिवाइज करेंगे. और ये रिवीजन हम कब करेंगे? ऑनलाइन क्लास में भी करेंगे. सी हाउ टू ड्रॉ दिया. दिया टू जस्ट ड्रॉ दिया लाइक दिस, लाइक दिस, एंड देन ब्रिंग इट लाइक दिस, एंड दिस इज द फ्लेम, राइट स्टूडेंट्स. ऐसे ड्रॉ करेंगे एंड इसको हम सर्कल करेंगे, यहाँ पे सर्कल, 3 सर्कल और लाइक दिस. इसको हम कलर करेंगे. देन हमने क्या सीखा था? बोट. तो बोट देखिए कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, ऐसे, देन ऐसे एंड ऐसे, लाइक दिस, राइट. सो यू हैव टू ब्रिंग इट लाइक दिस. Like this, we have to put 2 lines. Okay, then you have to put a row. You have to draw the stick like this. Okay, this is the boat. And then we learned how to draw a fish. Fish we did like this. Then like this. Okay, then. Like this, and this is a fin we drew like this. You just have to draw the fin like this, and then 1 circle for eye, right? And then do 2 lines, and then designing. Okay, students, we will do this in the online class again, and we will do the coloring. See, these are 2 bubbles. Right, students? Bye.